रोजाना नहाने के बाद चेहरे पर लगाएं ये चीजें। चेहरे को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाना अमूमन सभी की चाहत होती है। ऐसे में फेस पर इंस्टेंट निखार लाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं ट्राई करते हैं। खासकर नहाते समय चेहरे पर ग्लो मेंटेन करने के लिए लोग कई महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी कई बार चेहरे पर ग्लो नहीं आता है। ऐसे में नहाने के फौरन बाद फेस पर कुछ चीज़ों को अप्लाई करना आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दरअसल नहाने के बाद ज़्यादातर लोग प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, जिसके चलते नहाने के कुछ देर बाद ही आपका चेहरा डल और ड्राई हो जाता है। हालांकि अगर आप चाहें तो बाथ लेने के बाद कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके चेहरे की डलनेस से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं त्वचा का निखार बरकरार रखने के कुछ आसान टिप्स के बारे में। नंबर 1, गुनगुने पानी से चेहरा धोएं। फेस स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला स्टेप होता है इसे गुनगुने पानी से धोना। अगर आपने नहाया भी है तो चेहरे को गुनगुने पानी से अच्छी तरह से क्लीन करें। आप फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे को गुनगुने पानी से धोने से सारी धूल मिट्टी प्रदूषण और डर्ट रिमूव हो जाता है। इससे चेहरे की स्किन आगे के लिए तैयार हो जाती है। आपको चेहरे को धोने के लिए गर्म पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी चेहरे की नमी को कम कर सकता है और स्किन को ड्राई बना सकता है। नंबर 2, रगड़े नहीं। नहाने के तुरंत बाद हम हमेशा तौलिए के साथ अपना मुंह को पोंछते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग मुंह को पोंछते समय यह गलती करते हैं कि हम तौलिए को जोर से चेहरे पर रगड़ते हैं। ऐसा करने से स्किन खराब होने के साथ साथ पोर्स भी बंद हो जाते हैं, जिस कारण से त्वचा में कील व मुहासे जैसी समस्याएं होने लगती हैं। साथ ही नहाने के तुरंत बाद त्वचा को तौलिए से रगड़ने से स्किन का नेचुरल ऑयल भी कम हो जाता है और इस कारण से ड्राइनेस की समस्या रहने लगती है। आपको हमेशा हल्के हाथ से ही स्किन को पोंछना चाहिए। नंबर 3, चेहरे की स्किन को सुखाएं। चेहरे को गुनगुने पानी से धोने के बाद उसे सुखाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन चेहरे को सुखाने के लिए कभी भी त्वचा को तौलिए से रगड़े नहीं, बल्कि धीरे धीरे से प्राकृतिक तरीके से सूखने दें। आप चाहे तो टिश्यू पेपर से भी पोंछ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है। ऐसे में त्वचा को रगड़ने से रेडनेस और खुजली हो सकती है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। नंबर 4, चेहरे को मॉइस्चराइज करें। अगर आपके चेहरे की स्किन सूख गई है तो अब आप इस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। त्वचा को मॉइस्चराइज करना ही स्किन केयर रूटीन का पहला स्टेप होता है। इसके लिए आप अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर चूज कर सकते हैं। इससे चेहरे की स्किन को नमी मिलेगी और त्वचा हाइड्रेट बनेगी। त्वचा को मॉइस्चराइज करने से चेहरे में निखार आएगा और ग्लोइंग नजर आएगी। नंबर 5, सीरम लगाएं। नहाने के बाद अगर आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया है तो इसके बाद सीरम जरूर अप्लाई करें। आपको सीरम को थपथपाते हुए चेहरे पर लगाना चाहिए, इससे आपका चेहरा दिन भर हाइड्रेट रहेगा। दरअसल नहाने के बाद त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं, ऐसे में सीरम लगाने से रोम छिद्रों को बंद किया जा सकता है। इसलिए ओपन पोर्स की समस्या न हो, इसके लिए नहाने के बाद चेहरे पर सीरम जरूर लगाएं। नंबर 6, फेशियल क्रीम लगाएं। नहाने के बाद अगर आप मॉइस्चराइजर और सीरम लगा चुके हैं तो इसके बाद फेशियल क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। फेशियल क्रीम लगाने से ड्राई स्किन से छुटकारा मिल सकता है और त्वचा हाइड्रेट बन सकती है। इसलिए अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप पहले सीरम लगाएं, अब सीरम को त्वचा में अवशोषित होने दें, इसके बाद चेहरे पर फेशियल क्रीम लगा लें। नंबर 7, सनस्क्रीन अप्लाई करें। स्पेशल स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए नहाने के फौरन बाद त्वचा पर सनस्क्रीन क्रीम या लोशन को लगाना न भूलें। सनस्क्रीन आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखने में मददगार होगी, साथ ही आपकी त्वचा पर टैनिंग या सनबर्न की समस्या भी नहीं देखने को मिलेगी। नंबर 8, टोनर लगाएं। नहाने के बाद यानी चेहरे को फेस वॉश या क्लेंजर से साफ करने के बाद आपको सबसे पहले स्किन पर टोनर लगाना चाहिए। यह स्किन पर बची हुई गंदगी को छुड़ाने में हमारी मदद करता है, साथ ही चेहरा चमकदार नजर आता है। टोनर के रूप में आप चावल के पानी, खीरे का टोनर या गुलाब जल का भी
इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 9, नारियल तेल। नहाने के बाद अगर आपको महंगे मॉइस्चराइजर, बॉडी क्रीम या बॉडी लोशन प्रयोग करने की आदत है तो आपके लिए यह काम नारियल तेल भी कर सकता है, वह भी कम दामों पर। नारियल तेल आपकी त्वचा को चिकनाई प्रदान करेगा। इन बातों का रखें ध्यान, स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए हफ्ते में एक बार त्वचा को भाप दें। फेस स्टीमिंग से पोर्स खुल जाते हैं जिससे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की परेशानी भी नहीं होगी। त्वचा पर फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी स्किन टाइप के अनुसार फेस मास्क खरीदें। आप चाहे तो घर पर भी मास्क बना सकती हैं। हफ्ते में एक बार त्वचा को एक्सफोलिएट करें। एक्सफोलिएशन से डेड स्किन रिमूव हो जाती है जिससे स्किन साफ और ग्लोइंग नजर आती है। नंबर 10, दाग धब्बों का रखें ध्यान। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपकी स्किन पर कितने दाग धब्बे बने हुए हैं। नहाने के तुरंत बाद इन दाग धब्बों पर नारियल का तेल या कोई अन्य नेचुरल क्रीम लगाएं। अगर डॉक्टर ने पहले ही आपको कोई दवा दी हुई है तो नहाने के बाद आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी स्किन टोन लगातार खराब होती जा रही है तो यह किसी अन्य बीमारी का संकेत भी हो सकता है और ऐसे में डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।